हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका फ्रॉम चारू क्रिएशन। तो आज हम जिस फैब्रिक की बात करने वाले हैं वो है पॉलीमर्स जॉर्जेट। बहुत सारी लेडीज़ की डिमांड है कि हम उसे ट्राउज़र वाला फैब्रिक बताएं कि ट्राउज़र के लिए कौन सा फैब्रिक सबसे अच्छा होता है। तो पॉलीमर्स जॉर्जेट एक ऐसा फैब्रिक है जो कि बहुत कम्फर्टेबल होता है समर्स में पहनने के लिए, और उसको किसी भी आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप उसको घर में ईजिली यूज़ कर सकते हो, घर में ईजिली वॉश कर सकते हो, और उसको किसी और वो किसी भी तरीके का रिंकल उसमें नहीं आता है। तो बहुत ही कम्फर्टेबल होता है और सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और वो पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको ऑफिस वेयर में पहन सकते हो, आप उसको इनफॉर्मल तरीके से भी पहन सकते हो, तो आप उसको ये ड्रेसेस भी बहुत अच्छी उसकी बनती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो फैब्रिक कैसा दिखाई देता है। तो ये है पॉलीमर्स जॉर्जेट। ये बहुत कम मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे पास बहुत क्वांटिटी में ये फैब्रिक अवेलेबल है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप हमारी वेबसाइट से भी इसे बाय कर सकते हो। वेबसाइट पर अगर आप टाइप करोगे पॉलीमर्स जॉर्जेट तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। तो ये फैब्रिक, इस फैब्रिक में आपको किसी भी तरीके की लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसका इजीली ट्राउज़र बना सकते हो। और आप आजकल के जो नए डिज़ाइंस के ट्राउज़र बन रहे हैं आप वो भी बना सकते हो। मैंने एक ट्राउज़र बना के चेक भी किया है, तो जो कि आप अभी साइड में देख सकते हो। तो ये आपको जो फैब्रिक जो ट्राउज़र दिख रहा है वो मैंने अभी बनाया है कुछ टाइम पहले, और मैं इसको कम से कम 4 बार वॉश कर चुकी हूँ। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई रिंकल, मुझे इसको कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसको मैं इजीली घर में वॉश कर सकती हूँ। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, और ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 350 पर मीटर का ये फैब्रिक मैंने बाय किया था, और आई थिंक 2.5 मीटर की मुझे ज़रूरत पड़ी है, एंड अब मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको ये पॉलीमर्स जॉर्जेट फैब्रिक को बाय करना है तो आप इसे हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो पॉलीमर्स जॉर्जेट फैब्रिक, और आप हमें +91997110622 पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।